हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल। तो देखिए व्यूअर्स, आज आपको हम बताने जा रहे हैं एक अपार्टमेंट या फिर फ्लैट टाइप कम जगह में 1 BHK पोर्शन आप किस तरह से निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। तो आप सभी से दरख्वास्त है, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल को, और इसी तरह से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड विद प्लान के साथ बता दूंगा। यहाँ पे इसका प्लान है, तो प्लान में के साथ किस तरह से 1 BHK का पोर्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आप कम जगह में। कम जगह मतलब है 44x28 इसका लैंड साइज़ है, उसी लैंड साइज़ में ये प्लान दिया गया, ये प्लान है। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे साउथ फेस है इसका, साउथ फेस से एंटर होते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड इसका एंट्रेंस दिया गया। यहाँ पे एक हॉल, किचन, बेडरूम, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, उसी तरह से हॉल, किचन, बेडरूम, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, इसको एक 4000 किराए और इसको एक 4000 किराए। इसी तरह से अगर आपको कमर्शियल टाइप यानी कि वांट टू अर्न मनी, पैसा कमाना है आपको, या फिर आपके पास डिपेंड ऑन योर बजट, आपको रहना नहीं है खाली कमर्शियल, लाइक वांट टू गिव रेंट पर्पज़ है आपका मेन इंटेंशन, तो इस तरह का प्लान आपको हेल्पफुल है डेफिनेटली। इसके अंदर 2 BHK प्लस 1 BHK नहीं बन सकता, ओनली 1 BHK प्लस 1 BHK। टोटल लैंड साइज़ यहाँ से लेके यहाँ तक 44 फीट है और यहाँ से लेके यहाँ तक 28 फीट है, उसी के अंदर एडजस्ट किया गया है टोटल। इस लैंड को क्या गया, 6 फीट स्टेयरकेस के लिए दिया गया। ओके, उसके बाद जितना भी जगह बचता है ना उसको बाई टू किया गया। ओके, बाई टू करने के बाद बेडरूम विद कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, इसी तरह से बेडरूम विद कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, और ये जितना भी ये ज़्यादा स्पेस जो रहता है ना, इसके अंदर हॉल विद किचन, हॉल विद किचन काफ़ी सिंपल है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसा यहाँ एंटर हो गया, हॉल है इतना, इधर है किचन, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, बेडरूम, मगर ये प्लान देखने के बाद ऐसा लग रहा है आपको उतना अनकंफर्टेबल, जब आप रियल व्यू में दिखेंगे तो आपको बेहतरीन दिखेगा, मैं आपको बता दूंगा। लेट्स सी, तो देखिए वर जैसा मैं बताया था, 3 फीट का ये पैसेज एरिया यानी कि सभी घर के अंदर जाने के लिए, और ये डोर है 3.5 फीट का डोर। ओके, मेन एंट्रेंस वहाँ से साउथ फेस, उधर स्टेयरकेस है, साउथ स्टेयरकेस के एंटर आते हैं यहाँ पर, इसी तरह से उधर एक पोर्शन है। ओके, अभी मैं इस वाला पोर्शन में बता दूँगा। मल्टी स्टोरी के लिए लाइट वेट ब्रिक अच्छा रहेगा, बट हमारे साइड उतना नहीं चल रहा है फिलहाल। ये हॉल फर्स्ट एंटर हुआ है हॉल, और हॉल एंटर होते सामने क्या है, टॉयलेट रूम दिख रहा। ओके, यहाँ पे इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कर्टेन लगा लीजिए वहाँ ओपनिंग पे। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, कर्टेन लगा सकते। मेन आपके घर को खूबसूरत देने वाला चीज़ मैं आपको बता दूंगा, एक है फॉल्स सीलिंग छत पे आता है, दूसरा है कलर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद तीसरा जो है कर्टेन, पर्दा, जो भी आप लगाते वो, फर्श उतना मैटर नहीं करता है, मगर वैश फर्श आजकल मिल रहा है। ये 3 चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए, आपके घर को खूबसूरती यही चीज़ देता, वो फर्नीचर बनाए तो खूबसूरती देता है, उनको ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ है कलरिंग, फॉल सीलिंग, लाइटिंग, कलरफुल लाइटिंग रहना, और फॉल सीलिंग को पूरा प्योर प्लेन वाइट रखे तो और बेटर रहेगा। ओके, यहाँ से हॉल ऐसा, ये पूरा इतना हॉल आता है, यहाँ एंटर हो गए, एंटर होते सामने क्या है टॉयलेट रूम आता, इधर क्या है बेडरूम। ओके, इधर किचन आता है, अभी आपको दूसरे व्यू से दिखा दूंगा। जैसा वहाँ से एंटर हो गए आप, वहाँ से एंटर हो गए, एंटर होते इधर आ जाते हैं। ओके व्यूअर्स, फिर यहाँ से किचन, किचन के अंदर जाने के लिए जगह है, ये है किचन, ये किचन एरिया, एंड यहाँ पे पूजा रूम, मेन इंटेंशन इज गिविंग फॉर रेंट इसकी वजह से, और ये लिंटल यहाँ पे, फिर यहाँ से जाते हैं सीधा इधर बेडरूम में जाते हैं।
तो देखिए यहाँ से जाते टॉयलेट रूम, यहाँ पर काफ़ी बड़ा है टॉयलेट रूम, कंफर्टेबल है, मेन चीज़ कंफर्टेबल, इंडियन सीटिंग, वहाँ पे हाइट लिया गया है, यहाँ पे नीचे है और वेंटिलेटर, ऊपर स्टोरेज के लिए जगह मिल जाएगा। एंड यहाँ से एंटर होते हैं बेडरूम, बेडरूम भी काफ़ी बड़ा है, इतना कंफर्टेबल फॉर फाइव मेंबर्स यानी कि दो बड़े, फादर मदर एंड देर टू और थ्री चिल्ड्रंस फॉर देम। अगर जगह नहीं है तो हॉल में भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा एंड ऊपर स्टोरेज के लिए जगह, इधर अलमीरा कबर्ड, मगर सिंपल है, उसमें कोई खास नहीं गया। इन्हें चाहे तो थोड़ा शेल्व्स भी ले सकते थे बट नहीं लिया गया, जैसे इसको बाइटो किया गया बस उतना ही। ये कुछ इसके बारे में था, और अगले वीडियो में लिंटल हाइट, रूम हाइट कितना रहना चाहिए उसका कुछ डिटेल बता दूंगा आपको अगले वीडियो में। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए, एंड थैंक यू सो मच माय डियर रिस्पेक्टेड व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल एंड। और इसी तरह से हमारे इस चैनल को, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, एंड थैंक यू, जय हिंद।